अभी हम बना रहे हैं पफ स्लीव। स्लीव्स के लिए हमें पहले बेसिक स्लीव चाहिए होगी। अभी हम बना रहे हैं पफ स्लीव। फैब्रिक को इस तरह फोर फोल्ड करेंगे, स्लीव्स को इस तरह से प्लेस करेंगे। देखो स्लीव्स के अकॉर्डिंग हमें जैसी हमें स्लीव चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें पफ देना है। जैसे कि मैं अभी एक स्लीव ड्रॉ कर रही हूँ तो हम सिर्फ ऊपर पफ दे रहे हैं, नीचे नहीं दे रहे। वी आर गिविंग पफ ओनली इन अप साइड। तो आपको यहाँ से एकदम फिट चाहिए तो आपको यहाँ ज़्यादा गैप नहीं रखना। इफ़ यू वॉन्ट फिट ऑन दिस पॉइंट यू डोंट हैव टू गिव मोर गैप हियर। ज़्यादा गैप नहीं देना। अगर आपको यहाँ से फिट चाहिए तो हल्का सा गैप देंगे ऐसे, सिर्फ पफ हम ऊपर से बढ़ा के पफ देंगे। सो ये डिपेंड करता है कि यहाँ से अगर हमें कितना ऊपर चाहिए पफ, 2.5 जितना जनरली होता है। सो यहाँ से हम 2.5 ले सकते हैं, 3 इंच ले सकते हैं। जबकि कोई कोई स्लीव ऐसी होती है, देखो ऐसे ऐसे दिखते हैं बहुत सारे रिंकल, जिसमें हाइट और ज़्यादा ऊपर से बड़ी करनी होगी। इफ़ यू वॉन्ट मोर रिंकल हेयर देन वी हैव टू गिव मोर एक्स्ट्रा पार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अभी हम यहाँ नॉर्मली देखो, यहाँ से मुझे ज़्यादा लूज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ ले लूँगी 2 इंचेस और लेंथ में मैं ले लूँगी 3 इंचेस। क्लियर? यानी कि यहाँ से आपको जितनी हाइट चाहिए उसके डिपेंड करता है कि हमें कितना ऊपर लेना है। चौक से मार्क कर लेंगे, इस तरह क्रॉस डायरेक्शन में रखना है। यहाँ से कट टू कट थोड़ा जूम कर, यहाँ से 2.2 इंचेस ले लेते हैं। 2 to 2.5 भी ले सकते हो आप। अगर आपकी साइज़ बड़ी है तो 2.5 ले सकते हो। इफ़ यू आर मेकिंग 40 साइज ब्लाउज देन यू कैन टेक 2.5। सो यहाँ से मैं ऊपर 3.5 ले रही हूँ, 2.5 हेयर, 3.5 हेयर। अभी ये जो स्लीव्स का सेंटर है इससे हम स्टार्ट करेंगे ऐसे शेप बनाना। और नीचे जैसे कि ट्रायंगल आ रहा है तो हमें ट्रायंगल नहीं करना, कुछ देर तक हम ऐसे ही करेंगे और नीचे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। 1 इंच स्ट्रेट एंड देन शेप, 1 इंच जितना स्ट्रेट चाहिए यहाँ। अभी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इतना सिंपल है हमें पफ स्लीव बनाना। ऐसे ही सेम हम लाइनिंग भी काट लेंगे। अभी हमें फ्रंट काटना है तो फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे और जो फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरह रखेंगे साइड से मैच करके टिल 2 इंचेस। डोंट कट एनीथिंग, 2 इंच तक हमें कुछ भी नहीं काटना, ठीक है? क्योंकि 2 इंच साइड स्टिच का है, फिर साइड स्टिच आपकी छोटी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह ये फ्रंट पार्ट मैंने कट कर दिया, यहाँ कट लगा लेंगे। फ्रंट पार्ट कटिंग इज डन इस तरह से। और ये बेसिक स्लीव्स के बराबर हो जाएगा। देखो स्लीव से कितना हमारा एक्स्ट्रा पफ आ रहा है वही हमारा एक्स्ट्रा दिखेगा। सारी कटिंग हो चुकी है हमारी, अब हम पफ स्लीव बनाना देखेंगे। पहले पफ स्लीव में हमें स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स में हमारा इतना जॉइंट है लाइनिंग में। ये हमारा फ्रंट है। सबसे पहले नीचे से फिनिशिंग कर लेते हैं। स्टिच इस तरह से करना है कि हमारा जो जॉइंट है वो अंदर की तरफ चले जाए।
दोनों तरफ से 6-6 इंच छोड़ के हमें इस तरह से बड़ी स्टिच करके पफ बना लेना है। पफ बनने के बाद ये आपके आर्म होल के जितना होना चाहिए। इस तरह आर्म होल के बराबर होना चाहिए ये स्लीव्स, ठीक है। अभी दूसरे स्लीव्स को भी इसी तरह रेडी कर लेते हैं। डन। अभी फ्रंट वाला हमें फ्रंट की तरफ रखना है और जॉइंट कर लेना है फ्रंट पार्ट। जॉइंट करने से पहले हम मेजर कर लेते हैं कि बराबर है या नहीं। लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके शोल्डर से दोनों तरफ पफ इक्वल है। वाइल अटैचिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट योर पफ इज गैदर्स इज इक्वली ऑन बोथ साइड बैक एंड फ्रंट। देखो पूरा पूरा आ रहा है, मतलब अभी मैं लगाना स्टार्ट कर सकती हूँ। सो आप सबको क्लियर है किस तरह से ऐसे हमें चेक कर लेना है। एक तरफ असली हो गया है। इस तरह से फिटिंग आ रही है इसकी फ्रंट की नेक और एकदम टाइट है। और आपको तो मैंने पिछले साइजेस बाकी साइजेस बता ही दिए कि कैसी फिटिंग आ रही है। शोल्डर टू वेस्ट गार्ड शेप आ रहा है हमारा इस तरह से। बैक पार्ट देख सकते हो। कैसा लगा आप सबको ये ब्लाउज?